रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, आज हम आपकी खिदमत में दोबारा एक प्रोडक्ट लेके हाजिर हुए जो वेस्ट पॉइंट कंपनी का किचन चीफ डिलेक्स मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर जो है वो 2805 है। 2 साल की इसमें जो है वो हमें वारंटी दे रही है कंपनी। आज हम इसको अनबॉक्स करके देखेंगे इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलेंगी और हमें क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा। और वेस्ट पॉइंट जो है इसका एक अच्छा खासा पहले ही बहुत अच्छा एक नाम है मार्केट के अंदर। वेस्ट पॉइंट कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट जो है वो बना रही है। इसमें ये फूड फैक्ट्री है कंप्लीट, इसमें आप चॉपर भी कर सकते हैं, गोश्त वगैरह का कीमा कर सकते हैं। और मसाले की 2 इसमें कटोरियाँ दी गई हैं, एक जग है जैसे तस्वीर में दिखाया गया। और इसमें बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो है ना वो प्लेट इस्तेमाल किया गया। इसको हम अनबॉक्स करके देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें जो है ना वो हमें किस तरह यूज़ करनी है और कौन सी चीज़ कैसे फिट होएगी। कि जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक नज़र डालते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें जो है वो क्या क्या मिलेगी। इसमें हमें जो है वो 5-in-1 जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, ड्राई विट, ग्राइंडर, वेजिटेबल कटर और प्रोफेशनल पावर जो है ना वो एक पॉइंट है। इसमें ब्यूटीफुल डिज़ाइन, सिंपल ऑपरेशन, ईजी टू क्लीन इसमें जो है वो सिस्टम है। हाई स्पीड मोटर विद ओवर हीट प्रोटेक्शन, हाई एफिशेंसी, टाइम ऑफ एनर्जी सेविंग। इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है, जिसमें जो है ना वो इसका हीट होने का जो है ना वो प्रोटेक्शन भी है कि हाई एफिशिएंसी, इसमें टाइम और एनर्जी दोनों की जो है वो सेविंग है। दिस सेफ्टी लॉक यूनिट फॉर स्विचिंग इज स्पेशली डिजाइन टू इंश्योर टू सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी इन यूज़। इसमें सेफ्टी पिन भी दी गई है जो हम जो है वो बच्चों के लिए बेसिक यूज़ होती है। कोई भी जो है वो चिल्ड प्रोटेक्शन भी इसको बार दफ़ा कहते हैं। और इसमें लार्ज कैपेसिटी जो है ना वो 1750 मिली लीटर प्लास्टिक जार है। इसमें प्लास्टिक का जो कैपेसिटी है वो 1750 मिली लीटर की कैपेसिटी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें तस्वीरें अगर हम जो है इसको जूम करते हैं तो तस्वीरों में दिखाया गया है, सेम इसी तरीके से इसको हम मुख्तलिफ डिज़ाइन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आइए हम इसको जो है वो ओपन करके देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। ये 450 की इसमें जो है वोल्टेज की मोटर लगी हुई है, 220 पर ये आपकी ऑपरेट होगी। अभी हम इसको जो है वो अनबॉक्स करके देखेंगे। इसको ओपन करें, इसके अंदर जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें सारी हम जो है वो देखेंगे। इसको ओपन करें, इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे सबसे पहले आप देखें बहुत ही बेहतरीन किस्म की इसकी जो है वो पैकिंग है यहाँ पर, जो इसकी सेफ्टी करती है कि अगर जो है वो इसको हम मूव भी कराएँ कहीं ट्रांसपोर्टेशन में, ये जो है टूटने से हमें बचाती है। सबसे पहले हम इसको जो है वो उतार लेते हैं। अब उसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी एक तरतीब से जो है ना वो सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस वाइज जो है वो रखी गई। अब हम एक एक करके इसको खोल के निकालेंगे बाहर इसमें क्या क्या चीज़ें। ये आप देख सकते हैं इसको जो है इसका चॉपर उतारते हैं। ये हमारे पास जो है वो चॉपर का जो है वो जार है। चॉपर के जार को आप देखें, ये इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। ये हमारे पास एक पीस है और निकाल, सबको निकाल के बाहर रखें। ये हमारे पास जगह आ गया, आप इसमें देखें चीज़ें कितनी है। ये इसमें एक कटोरी आ गई, ये मसाले वाली कटोरी है। ये हमें एक और मसाले वाली कटोरी दी गई हार्ड, और ये मेन मोटर है इसकी। ये इसमें जो है वो आप देखें कि सारा सामान जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले पे है। ये इतना सारा सामान जो है वो इसमें हमें मिला। और इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है वो वारंटी कार्ड है इसका। वारंटी कार्ड के ऊपर आप देख ले, मॉडल नंबर भी सारी चीज़ें मेंशन है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी मेंशन है जिसको आप पढ़ के इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और वारंटी कार्ड के ऊपर जो है वो तमाम बड़े शहरों के जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सर्विस सेंटर के जो है वो दिए गए कस्टमर की रहनमाई के लिए, जो जिस शहर में है वो नेशनल लेवल पे इसकी वारंटी क्लेम करा सकता है। बाकी ये हमारे पास मोटर है, कि जो है वो मोटर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये पावर बटन है, ये इसके स्पीड के पॉइंट है। और ये वाला जो है ये पावर बटन जो है ये पुशअप बटन होता है, इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे चला के मूव करा सकते हैं। ये यहाँ से जो इसके क्लिप लगे हुए हैं, ये यहाँ से क्लिप इसका खुलेगा। ये आपकी जो है वो जाली है, इस तरीके से ये
हट जाएगी। उसके बाद ये आप इसके लॉक देख सकते हैं कि इस लॉक्स की मदद से जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है, जग भी और ये बाकी सामान भी इस पर बारी बारी जो है वो फिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कटोरी करना चाहें तो ये कटोरी यूँ फिट होएगी, इसके ऊपर ये वाली कटोरी करना चाहें तो ये भी यूँ फिट होएगी। ये हम आपको शॉर्टकट इसलिए समझा रहे हैं कि ये अक्सरियत हमारी पुरानी वीडियोज़ में सबको जो है हम ये बता चुके, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पुरानी वीडियो जाके देख के इसको समझ सकता है कैसे इसको फिट करना है। तो आपका टाइम बचाने के लिए ये आपको सरसरी जो है हम बता रहे हैं कि ये हर चीज़ जो है वो इसी मोटर के ऊपर सेम पैटर्न पे जो है वो फिट होएगी, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदे को ये पता है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो मेन चीज़ है कि देख लेते हैं कि ये नीचे की आप सेटिंग देखें, ये काफ़ी बेहतरीन है, पैक है और इसकी चलते हुए आवाज़ मतलब बहुत माइनस ही आवाज़ है, ठीक है। अभी हम इसको चला के देखते हैं कि इसकी आवाज़ जो है ना वो हमें आवाज़ कैसी देती है, ठीक है। ये आप देखें कि इसको फाइनली हमने वायर जो है वो यहाँ पर लगा ली है। अभी आप इसको देखें, चलाएं इसको, ऑन करें। इसका ये जो बटन लगा हुआ है चिल्ड प्रोटेक्शन बटन है, इसको आपने ख़ास तौर पे जो है वो ख्याल रखना है कि ये दबेगा तो फिर ये चलेगी, वैसे ये नहीं चलेगी। ये देख सकते हैं आप कि बटन को हम जो है वो पुश कर रहे हैं तो फिर ये चल रही है वैसे। तो ये आपने इसका वो खासा जो है वो ख्याल रखना, अच्छे तरीके से इसको आप जो है वो यूज़ करेंगे तो ये आपको सही रिज़ल्ट देगी। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और आपको ये अगर प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। पूरे कराची में आपको कहीं पर भी मंगानी हो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा आप एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।